सो दोस्तों, कल के लेसन के बाद आज का जो लेसन है वो कल के लेसन से रिलेटेड है। तो मेक श्योर कि आपको जो लास्ट मैंने 11वां पार्ट दिया था फेसबुक एड्स का, उसको जाकर देखो, फिर इस लेसन को देखो, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। राइट, लेट्स गो। सो माय नेम इज टी एन, यू आर वॉचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार? मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करो और इस वीडियो को करो लाइक, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आने के लिए। राइट, तो कल हम लोगों ने बात किया था यहाँ ऑडियंस में डेमोग्राफिक्स के ऊपर। राइट, जो डिटेल ऑडियंस की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो पार्ट 11 में मैंने एक बताया जो डेमोग्राफिक के ऊपर था। तीन इसके प्रकार बोल सकते हो आप, प्रकार हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, जब आप डिटेल टारगेटिंग करोगे उसमें बिहेवियर में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। राइट, इंटरेस्ट बीच में बच रहा है, आई नो, टेंशन मत लो। इंटरेस्ट का दूसरा पार्ट बनाऊंगा, मतलब इसके बाद जो पार्ट आएगा 13वां पार्ट, उसमें आपको इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इंटरेस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए उसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। राइट, अलग से तो तीनों का बना रहा हूँ, बट उसको मैं लास्ट में लूंगा। राइट, अब बिहेवियर के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि बिहेवियर में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। बट उससे पहले एक चीज, क्या आप लोग लर्न कर रहे हो ये फेसबुक एड्स का कोर्स? क्योंकि मैंने कहा है आपको कि मैं जीरो से आपको हीरो तक का पूरा बताऊंगा, अच्छे से सारी चीजें डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ, एक एक करके वीडियो आ रही है। हो सकता है थोड़ा बोरिंग भी हो, बट बिलीव मी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं। राइट, तो मेक श्योर गाइज, मेक श्योर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ क्या आप इस जो एड का सीरीज है उसको देख रहे हो। तो लिखो यस आई एम वॉचिंग, जस्ट नीचे कमेंट में लिखो यस आई एम वॉचिंग। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है गाइस बिहेवियर में, वो है एनिवर्सरी। अब बिहेवियर मतलब बिहेव, कि आपकी जो ऑडियंस है जिसको आप टारगेट करना चाहते हो वो कैसा बिहेव कर रही है। राइट, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखो एनिवर्सरी में एक ऑप्शन आ रहा है भाई, 61 से लेके 90 डेज, मतलब इतने के बीच में किसकी एनिवर्सरी है भाई? अगर आप मान लो किसी को टारगेट करना चाहते हो। राइट, ये डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, इन तीनों के बेस पे टारगेट किया जाता है। कल मैंने डेमोग्राफिक के बारे में बताया था, आज मैं बिहेवियर के बारे में बता रहा हूँ। राइट, तो जो बिहेवियर है उसमें आपका जो सबसे पहला ऑप्शन है कि जिसका भी 61 से 90 डेज के बीच में किसी की एनिवर्सरी है और आपको टारगेट करना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। राइट, किसी की भी हो सकती है एनिवर्सरी, एंड आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो आप उन्हें इस ऑप्शन से टारगेट कर सकते हो। दूसरा है इसमें कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग देशों का। ठीक है, अब इसमें इंडिया में हम लोग क्लिक करेंगे। देखो इंडिया में जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ दो ऑप्शन मुझे मिलेगा, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिटेल टारगेटिंग आपको समझ नहीं आएगी तो आप कोई भी अपना प्रोडक्ट या किसी भी चीज का एड चलाना चाहो वो आप अच्छे से नहीं चला पाओगे। राइट, पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स, मतलब वो लोग जो लग्जरी आइटम्स बाय करते हैं, क्या आप उनको टारगेट करना चाहते हो? या वो लोग जो मिड, मतलब अच्छा खासा मिडिल एवरेज जो प्राइजेस के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी लेते हैं और हाई प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, उनको टारगेट करना चाहते हो? मतलब दोनों, और ये दोनों ही अच्छा जबरदस्त है। बट याद रखना, ये उन प्रोडक्ट्स के लिए है जो वाकई में वैल्यूएबल है, जो एक अच्छे ब्रांड्स हैं। ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता। मैंने सिर्फ एक बार ही इस ऑप्शन का यूज किया है और आई थिंक बहुत पहले यूज किया था, उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है, बट ओके है। और आई थिंक दो बार मैंने यूज किया इस ऑप्शन का, प्रॉफिटेबल होता है बट उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही आपका काम का है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में। ओके, फिर उसके बाद डिजिटल एक्टिविटी में देखो, डिजिटल एक्टिविटी में आपको बहुत काम आएगा आने वाले समय में, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है, वो है कंसोल गेमर, तो आप गेमर्स को टारगेट कर सकते हो। राइट, फिर उसके बाद आप देखो नीचे क्या दिखा है, लिखा है फेसबुक पेमेंट्स यूजर्स, मतलब जो फेसबुक को भी यूज कर रहे हैं, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सेल करना चाहते हो तो आप उनको सेल कर सकते हो जो फेसबुक एड्स में एक्टिव है। सोचो आपको कितना ज्यादा डिटेल टारगेटिंग दिया जा रहा है फेसबुक के द्वारा। राइट, आप उनके बारे में भी जान सकते हो जो फेसबुक में अभी अभी पैसे डाला है, बिलिंग किया है और वो एड चलाना चाहते हो, और आप चाहो उनको कोई सॉफ्टवेयर बेचना तो आप उनको सॉफ्टवेयर बेच दो इस टारगेट की सहायता से। राइट,
अब और नीचे चलता हूं मैं, तो यहाँ पर देखो फेसबुक पेज एडमिन। अब मान लो बहुत सारे फेसबुक पेज एडमिन हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ेगी, उनको स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ेगी, उनको कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है उसकी जरूरत पड़ेगी, उनको पैसे कैसे कमाना है ये बताना है, तो ऐसे कैंपेन्स आप उनके लिए रन कर सकते हो। देखो यहाँ पर हर कुछ दिया है, बिजनेस पेज एडमिन जिनके बिजनेस पेजेस हैं क्या आप उनको टारगेट करना चाहते हो, कम्युनिटी एंड क्लब पेज एडमिन क्या जो कम्युनिटी क्लब सोशल पोस्ट डालते हैं क्या आप उनको टारगेट करना चाहते हो, तो आप उनको टारगेट कर लो। अभी आप जो देख रहे हो ना ये पॉलिटिक्स में जो हो रहा है, जो सारी चीजें हो रही हैं, जो लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये सब इसी के द्वारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े मार्केटर्स बैठे हैं जिनको ये सारी चीजें पता है कि कैसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए। तो वैसे ही आपको भी क्रिएटिवली सोचना है कि कैसे मैं अपने बायर का ब्रेन वॉश करूं, राइट? और नीचे आओ तो आपको रेस्टोरेंट का पेजेस मिल जाएंगे, हेल्थ एंड ब्यूटी के पेजेस मिल जाएंगे, रिटेल पेजेस मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स के पेजेस मिल जाएंगे, ट्रैवल एंड टूरिज्म के पेजेस मिल जाएंगे, राइट? तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगे। और नीचे चलते हैं हम लोग, तो इसमें इंटर्न ब्राउजर यूज्ड है, ये सारी चीजें हैं जो आपको देखनी है, मैं सबको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं तेजी से नीचे जाऊंगा, राइट? तो अब और अगर दूसरा पार्ट अगर देखें, मैं इस चीज को बंद कर दूं, एक सेकेंड, कैनवास गेमिंग, सॉरी, हाँ, डिजिटल एक्टिविटी को बंद कर दूं, तो और नीचे अगर आओ, ये सब आप देख लेना, ठीक है? जो बहुत इजी चीज है मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको काम आएंगी, राइट? और बाकी जो है मतलब बहुत ज्यादा इजी है, वो आप भी समझ जाओगे अगर मैं आपको और आगे बता दूं, ठीक है? यहाँ पर मोबाइल डिवाइस यूजर्स लिखा है, मतलब वही लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, राइट? आपको अलग अलग ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको एप्पल मिल जाएगा, ओप्पो मिल जाएगा, और तीन चार और है, वन प्लस मिल जाएगा, मतलब कम से कम पांच छह ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे यहाँ ब्रांड, जिनको आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो, ओके? सो ये इसलिए इसका आप क्यों यूज कर सकते हो, आप कवर्स बेच सकते हो, फोन के कवर्स आते हैं, यू नो, तो आप उनको सेल कर सकते हो, जो एक बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस है ऑनलाइन में, तो आप वो सेल कर सकते हो। और भी कोई आपको बोले कि भाई आप इस मोबाइल के लिए एडवर्टाइज करो, वो करो, तो आप इसकी सहायता से वो कर सकते हो, राइट? अब ये देखो यहाँ पर एक चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल डिवाइस यूजर्स के बाद मोबाइल डिवाइस यूजर्स डिवाइस यूज टाइम, मतलब कि मान लो कोई नया ब्रांड आया है, राइट? आप क्या कर सकते हो, आप मोबाइल्स की रीसेलिंग भी कर सकते हो इसको देखते हुए। अभी कोई नया ब्रांड आया तो लोग इस महीने खरीद रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, यूजेस अ मोबाइल डिवाइस एक से तीन महीने के बीच, वो लोग जो इस डिवाइस को एक से तीन महीने के बीच यूज किए हैं, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मैं वही ऑप्शंस हाईलाइट कर रहा हूँ जो आपको अच्छा खासा पैसा देगा इंटरनेट मार्केटिंग में, बिकॉज इनकी मार्केटिंग होती है काफी अच्छे स्केल पे, राइट? उसके बाद आपका वही है, नीचे अगर मैं आऊँ तो परचेस बिहेवियर में अच्छे खासे ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे, राइट? मैं और आपको आगे वीडियोस दूंगा। तो उसके बाद लास्ट में एक जो ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप काफी ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो, बिकॉज इसमें लोग बहुत ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं ऑन इंटरनेट मार्केटिंग, जिसका नाम है ट्रैवल ऑप्शन। ट्रैवल ऑप्शन में देखो यहाँ आपको कंप्यूटर्स, राइट, फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स, मतलब ट्रेवलर्स जो कभी भी मतलब इधर उधर ट्रैवलिंग करते रहते हैं वो, राइट? इंटरनेशनल ट्रेवल्स जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, राइट? तो आप उनको क्या ऑफर कर सकते हो, आप उनको टूर पैकेज ऑफर कर सकते हो, ऐसी चीजें जो ट्रैवल के बीच में हमें यूज होने आती है, आप उनको वैसी चीजें ऑफर कर सकते हो, राइट? उनको क्या ऐसी चीज जो दो जो उनके ट्रैवल को मजेदार बनाए, ऐसी चीज आप इनको ऑफर कर सकते हो, राइट? रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग वन वीक अगो, देखो कितना ज्यादा डिटेल आपको यहाँ पर दिया जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि एक हफ्ते पहले ये अभी आया है ट्रैवल करके, कोई बंदा है वो एक हफ्ते पहले ही अभी ट्रैवल करके आया, आप उसको टारगेट कर सकते हो, समझ लो कि ट्रैवल करके आया भाई, अब रिलैक्स करेगा तो उसको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, कहां से करके आया, मतलब ये पूरा आपको डिटेल दे रहा है फेसबुक, तो आप ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों इस चीज को नोट करो कि आपके लिए कौन कौन सी चीजें इसमें काफी अच्छी हैं, और कल डेमोग्राफिक के बारे में बताया था उसको भी नोट करो कि आपको कौन कौन से ऑप्शंस की जरूरत है, आगे जब हम लोग एड्स और आगे जो पार्ट्स आएंगे उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, याद रखना। और खुद से आओ एड्स मैनेजर में और इन चीज को देखो, कल का जो पार्ट आएगा वो इंटरेस्ट बेस पे आएगा, और इंटरेस्ट बेस में काफी सारी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और डिटेल टारगेटिंग बहुत
अच्छा टॉपिक है, इसको अगर इंटरेस्ट लेके समझोगे तो काफी मजा आएगा। और इंटरेस्ट तब पैदा होगा जब आप खुद से इस पे क्लिक कर करके कर करके एक एक चीजें देखोगे। राइट, मेक श्योर कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मस्त मुझे फॉलो करो, वहां मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।